वेलकम एवरीबॉडी इस सेशन पे। हाँ, और मैं पुष्पा बोल रही हूँ बैंगलोर से। मैं एक्चुअली एक लेखिका और जर्नलिस्ट हूँ फ्रीलांस, और आई ऑल्सो वर्क एट एन एनजीओ एज एन एसोसिएट डायरेक्टर, इट्स कॉल्ड सॉलिडारिटी फाउंडेशन। हम ज्यादा लैंगिक अल्पसंख्यक मतलब जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटीज और सेक्स वर्कर्स के साथ काम करते हैं, कम्युनिटी लीडरशिप और कम्युनिटी कलेक्टिव्स को बिल्ड या स्ट्रेंथन करने में। और आई हैव रिटन ऑन वेरियस इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। बहुत खुश हैं आज हमारे साथ राजीव यादव जी हैं, यूपी से। अभी लखनऊ में है वो, ज्यादा लखनऊ आजमगढ़ उस जिलों में काम करते हैं विद माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि प्रवासी मजदूर। और उनका और एक इम्पोर्टेंट काम क्या है कि वो रिहाई मंच के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक्चुअली जो गरीब मुसलमान और दलित जो लोग हैं ज्यादा, वो मतलब झूठे इल्जाम में जेल में फंसे हुए हैं। कभी हम सबको मालूम होगा शायद कि कहीं पे भी कभी कुछ दंगे होते हैं तो आधा वक्त यूजुअली दलित और मुसलमान युवकों को ही ऐसे ही बेइल्जाम बेगुनाह लोगों को जेल में डाल देते हैं, और कभी कभार उनको बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनको ज्यादा कानून के बारे में नहीं मालूम पड़ता है, और उनके लिए केस लड़ने के लिए भी आसानी से मिलते नहीं। कभी कभार वो बहुत दूर सिटी से दूर कुछ जेल में फंसे हुए होते हैं। तो ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट और जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं उन पे राजीव जी काम करते हैं। और अभी प्रवासी मजदूरों के बारे में, ये कोविड लॉकडाउन के वजह से बहुत बहुत मुश्किल हुआ, हम सब ने देखा है, सुना है, पढ़ा है। एंड डेफिनेटली यूपी इज वन प्लेस वेयर बहुत ज्यादा प्रवासी मजदूर उधर से आते हैं। बाकी जगह जैसे बड़े बड़े शहरों में मुंबई, दिल्ली, कभी कभी हमारे बैंगलोर तक भी पहुंचते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्क एंड जॉब्स लाइवलीहुड के लिए। और उनके लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं किए गए। बहुत सारे नेताओं ने, एक्चुअली उनको नेता कहना ही थोड़ा शर्मीली बात है, शर्मिंदगी की बात है। हाँ, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स ने, सेंट्रल मिनिस्टर्स ने बहुत उनके बारे में बोला लेकिन कुछ किया नहीं। और राजीव जी इसके बारे में भी हमें जानकारी देंगे यूपी में क्या हुआ, क्योंकि उधर लाखों प्रवासी मजदूर वापस गए थे। और दूसरी बात यह है कि लाइक मेनी कमिटेड एंड ब्रेव एक्टिविस्ट, राजीव जी बहुत और उनके साथी बहुत लॉकडाउन रिलीफ वर्क में भी, जैसे यू नो ड्राई रेशंस बांटना और कुछ भी इमरजेंसी आइटम्स चाहिए था उनके साथ, और उसके बारे में अभी राजीव जी बात करेंगे। राजीव जी वेलकम, और हमारी लोक राजनीति मंच के इस सेशन में आप जरा बताएंगे पहले कि आप इन विषयों के साथ, मतलब लार्जली एक्टिविज्म और पॉलिटिकल इश्यूज के साथ कब से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स लिसनर्स को ये जानकारी देना थोड़ा जरूरी है, उसके बाद हम स्पेसिफिक मुद्दे पे बात करेंगे। शुक्रिया पुष्पा जी। वैसे तो राजनीति तो हम लोग जब जैसे पैदा होते हैं वैसे ही राजनीति हम लोग से जुड़ जाती है, लेकिन चूंकि हम, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं और आजमगढ़ का रहने वाला हूं, और लगातार उस दौर में जब
सोशल जस्टिस का जो मूवमेंट है, खास तौर पे कांशीराम जी का, मुलायम सिंह का जो दौर पूरा चल रहा था, तो एक तो घर का परिवेश था और दूसरा कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए और वहां पर छात्र राजनीति से जुड़े, तो वहां पर इन व्यापक दायरे में राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे पॉलिसी स्तर पर जो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक जो चेतना का एक विस्तार हुआ, और उसके बाद जो भी लोकतांत्रिक अधिकार आंदोलन है देश के, कोशिश होती है कि तमाम जन आंदोलनों के साथ जुड़ते हुए और खास तौर पे सोशल जस्टिस के सवाल पर, वंचित समाज के सवालों को लेकर हम जो है अपनी आवाज उठा पाए, संघर्ष करें और उसको लेकर लोगों को एक गोलबंद करके एक मजबूत लड़ाई लड़े। शुक्रिया राजीव भाई। जस्ट वॉन्ट टू टेल हमारे दर्शकों और व्यूअर्स लिसनर्स को कि मैं अपना वीडियो ऑफ कर रही हूँ क्योंकि इधर बैंडविड्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, और राजीव भाई जब तक आपका बैंडविड्थ ठीक है आप वीडियो ऑन ही रखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप वीडियो ऑफ कीजिए, ठीक है? और हाँ, थैंक यू राजीव जी। अभी मेरा अगला सवाल ये है कि आप थोड़ा वो रिहाई मंच के बारे में भी आप बताएंगे, क्योंकि बहुत कामों में बहुत उसका महत्व कोई काफी लोग जानते नहीं, लेकिन अभी लॉकडाउन के साथ उसका विषय जुड़ा हुआ है और माइग्रेंट वर्कर्स के साथ भी, क्योंकि कई बार ये जो लोग पड़े रहते हैं, युवक स्पेशली जेलों में, कभी दंगों के वजह से हो सकता है, कभी और भी कुछ भी, आजकल तो कुछ यू नो गवर्नमेंट सभी जगह पे डिसेंट और पॉलिटिकल एक्टिविज्म इतना क्रश कर रही है, और बहुत शर्मिंदगी और गुस्से की बात ये है कि लॉकडाउन के वक्त भी उन्होंने बहुत लोगों को ऐसे ही अंदर डाल दिया झूठे इल्जाम लगा के। तो और कई बार हमें पता चलता है कि वो जो लॉकडाउन, सॉरी नॉट लॉकडाउन, जो जेलों में फंसे रहते हैं वो लोग प्रवासी भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका तो और भी मुश्किल होता है कि कानून की जानकारी या कुछ और उनको पता लगना। तो थोड़ा बहुत आप रिहाई मंच की काम के बारे में अगर आप बताएंगे, उसके बाद हम प्रवासी मजदूरों के विषय पे जाएंगे। थैंक्स। और इसके पहले मैं अभी लुबना जी को भी स्वागत करती हूँ। हेलो लुबना, नाइस सीइंग यू हियर। आई हैव स्विच्ड ऑफ माय वीडियो क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत बैंडविड्थ का इश्यू हो सकता है, बट यू कैन कंटिन्यू, यू बोथ कैन कंटिन्यू। ठीक है राजीव जी, रिहाई मंच के बारे में थोड़ा। या हेलो टू राजीव जी और पुष्पा जी। या शुक्रिया लुबना जी। पुष्पा जी देखिए, आपने बहुत ही मौजूद और इस दौर में जो सवाल को उठाया कि खास तौर पर मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और जहाँ के बारे में ही कहा जाता है कि जहाँ जहाँ आदमी वहाँ वहाँ आजमी, लेकिन जब टेरर के नाम पर जो पूरा राजनीति हुई और 2008 में हमारे क्या के दो बच्चों को बाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया, उसके बाद कहा गया कि आजमगढ़ आतंक का गढ़ है, और जहां पर भी हम लोग जाते थे और कहीं पर भी जाते थे अपना आई कार्ड बताते थे या नाम बताते थे, अगर घर बताते थे जैसे आजमगढ़ गए, तो लोग होटलों में कमरा नहीं मिलता था, नौकरी तो दूर की बात छोड़िए, अगर किसी गाड़ी में आप प्राइवेट गाड़ी में आप बुक करना हो और आजमगढ़ खदीजे जाना है तो नहीं जाने के तैयार था। तो एक प्रवासी होने का दर्द, और चूंकि जो पूरा क्षेत्र है हम ऐतिहासिक रूप से मजदूर एरिया के हैं, पूर्वांचल का जो पूरा और पश्चिमी बिहार का जो पूरा एरिया है मजदूरों का एरिया है, गिरमिटिया मजदूरों का एरिया है, लेकिन खास तौर पर जो टेरर के सवाल में जो खास तौर पर रिहाई मंच सवालों को लेकर इसका फॉर्मेशन हुआ कि जो ऐसे लड़के जो उनको बिगनाहों को आपने बंद कर दिया है, तो उसमें दोहरी मार हम लोग झेलते थे। एक तो कि जहां पर हमारे क्या पश्चिम बंगाल कश्मीर के लोग जो फंसाए गए जेलों में, उनके परिजन जब आते थे यहाँ पर तो एलआईयू इंटेलिजेंस से लेकर होटल में कमरा नहीं मिलता था, एक प्रवासी के दर्द को हमने भी महसूस किया। और जब हमने देखा कि जब हमको, अब तो पूरे देश को ही कश्मीर बना दिया गया है,
जब हमारे यहाँ के आजमगढ़ के लोग अहमदाबाद मुंबई में आपके बेंगलोर में आपके दिल्ली में जब वहां पर लड़के फंसे और आतंकवाद के नाम पर जेलों में थे, वहां पर जब उनके परिजन जाते थे तो वहां पर परेशान किया जाता था, उनको उनको बैठा लिया जाता था, उनसे पूछताछ की जाती थी, तो मतलब कि केस न लड़े। तो प्रवासी होने का दर्द हुआ एक हम लोग का दर्द था, और खासतौर पे हमारी जो पूरी 2008 में हम लोग का जो पूरा इस आंदोलन से जुड़ने का रिहाई आंदोलन को खड़ा करने का भी एक मामला रहा कि जो हमारी आइडेंटिटी पे हमला था, और वो आइडेंटिटी भी हमारी जो क्षेत्रीय आइडेंटिटी थी, हमारे जिले की आइडेंटिटी थी, और जैसे भी हम बताते थे कि उस आइडेंटिटी को तो वैसे ही लोग उस पर हमलावर होते थे, कहते थे नहीं वहां को तो आतंकवादी पैदा होते हैं, आतंकवाद का वहां से प्रजनन स्थली है, जन्म स्थली है, सड़ स्थली है। तो खासतौर पर जब ये लॉकडाउन हुआ तो हम इस दर्द को जानते थे, समझते थे कि एक प्रवासी होने का दर्द क्या होता है, और जब उसको खाने के लिए नहीं हो, उसके रहने के लिए नहीं हो, तो उसका दर्द क्या होता है। और इसी दर्द के रिश्ते के तहत हम लोग जो हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे बड़ा पलायन हुआ, तो उस दर्द के साथ हम लोग मजदूर भाइयों के साथ हम लोग साझा हो पाए, क्योंकि हम लोग खुद भी मजदूरों की ही औलाद है। बहुत अहम बात कहा है आपने राजीव भाई। और अगला मैं पूछना चाहूँ, एक्चुअली जैसे आपने बताया कि इधर भी दंगे हुए थे पिछले महीने में ऑलमोस्ट, और वो भी लो इनकम नेबरहुड, जैसे जहाँ पे बहुत मुसलमान लोग रहते हैं, और वैसे भी उधर लॉकडाउन के बिना भी उधर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सिटी सेंटर है वो ऑलमोस्ट बेंगलुरु का, लेकिन फिर भी उधर क्या उसका इतना बुरा हालत होता है यूजुअल टाइम में भी, और अभी ये दंगों के बाद मैं उस तरफ हम गए थे एक दोस्त से मिलने पिछले 2-3 हफ्ते पहले, और बहुत खराब, और भी खराब है उधर का हालत। कम से कम एक दो जगह पे सड़क है, लेकिन उधर तो कितना बिगड़ा हुआ है, और ये दंगों की वजह से ये भी सुनाई दिया कि कुछ ऐसे ही युवकों को कुछ और बहुत दूर बल्लारी जो नॉर्थ कर्नाटका में है और इधर बैंगलोर से बहुत दूर है, उधर बहुत लोगों को ऐसे ही जेल में डाल दिया जो शायद वो दंगों के साथ उनका कुछ संबंध ही नहीं था। और हम सब जानते हैं दंगों कैसे शुरू होते हैं, क्यों शुरू करते हैं, और कौन करता है, और किस पे इल्जाम जला जाता है। आप जैसे बोल रहे हैं हो सकता है बाटला हाउस, हो सकता है जामिया नगर के एरिया, मुजफ्फरनगर, कहाँ जहां पे भी हो, मुंबई, कुछ फर्क नहीं है, बस जगह का फर्क है। और अभी वही, इसीलिए मैं वो और प्रवासी लोगों के साथ बहुत उनका संबंध है, क्योंकि आधा वक्त जिनका कोई लोकल सपोर्ट नहीं होता है उनको डाल देते हैं, और प्रवासी मजदूर उनमें से नंबर वन होते हैं, क्योंकि उनको कभी कभार शायद अगर वो यूपी से इवन दिल्ली आएंगे, भाषा तो शायद बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन काफी फर्क होता है जगह पे, और कोई जानकारी नहीं होती, और इसीलिए हम सब जानते हैं उनको कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है, रोकड़ा तो बहुत कम मिलती है, और काम भी, और कभी गारंटी नहीं होता है, और लॉकडाउन जैसे पहली बार हो रहा है हमारे शायद इतिहास में, लेकिन उनके खिलाफ और क्या क्या होता है अभी सबको, दुनिया को पता चला कि भारत ने मतलब कैसे उनका हालत और भी बिगाड़ दिया। और तो राजीव भाई, अभी आप बोल रहे थे कि उनका तो हालत, जो वापस आए थे आपने उनके साथ काम किया, मतलब उनको राशन वसत दिया, और आप ये भी बोल रहे थे कि पहले हम जब चर्चा कर रहे थे कल परसों कि उनके बारे में एक माइग्रेंट्स के बारे में एक सर्वे किया, और एक बात है कि कुछ माइग्रेशन कमीशन शुरू किया यूपी सरकार ने, लेकिन उनका क्या फायदा है पता नहीं, और ये लेकिन हम बोल सकते हैं सभी जगह पे उनके लिए जो सरकार ने अनाउंस किया था, सूचना दिया कि ये करेंगे वो करने वाले हैं, वो सब कुछ हुआ नहीं, तो आप उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे सकते हैं।
जी जरूर। देखिए, एक तो बहुत ही आपने अहम सवाल उठाया कि जो तमाम देश भर में तमाम दंगे होते हैं, चाहे मुंबई में हुए हों, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे अभी बेंगलुरु का उदाहरण दे रहे हैं, इसमें जो मजदूर तबका होता है बहुत पिसता है। दूसरा कि आप देखिए कि अभी संदीप जी के साथ हम लोग लखनऊ में एक जिलाधिकारी से एक बात उनकी बातचीत थी, और वो बताया कि यहाँ पर लखनऊ में सबसे ज्यादा जो इसी तरह से जो उठाए गए हैं और जमानत के बगैर वो जेलों में है, लखनऊ के आसपास के लोग हैं। वो कौन लोग हैं? रिक्शा चालक हैं, कोई टेम्पू चालक हैं, कुछ दिहाड़ी मजदूर हैं, कुछ काम। क्यों? क्योंकि पुलिस में जरूरत होती है किसी केस को हल करने के लिए, तो किसी को भी उसमें वो फेक चार्जेस में करके वो अरेस्ट कर देते हैं, और उनका कोई जमानत वाला तो दूर छोड़िए, जब 2 रोज जो उनकी रोजी रोटी नहीं होती तो जमानत की तो बड़ी बात है। सबसे बड़ा सवाल जो आपने इस दौर में जो प्रवासी मजदूरों के बारे में बात किया, इसके कई पार्ट हैं। अगर हम कहें कि प्रवासी मजदूर जैसे एक जब आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि नहीं, प्रवासी मजदूर जो आ रहा है ये लौट जाएगा, या फिर प्रवासी मजदूर बहुत परेशान है नहीं जाएगा, ये 2 बातें थी। दूसरा कि प्रवासी मजदूर आ रहा है तो इसको गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही, या गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मजदूर के पूरे सवाल पे किस तरह से साइलेंट हो गया। क्यों? क्योंकि मजदूर का सवाल बेसिकली जो पूंजीवाद का सवाल है, पूंजीवाद का जो मुनाफे का सवाल है, उस सवाल से टकराता है। इसीलिए मजदूर का सवाल जो पॉलिटिकल पार्टीज उस समय उसके पैर के छाले को दिखा करके, उसके साथ बैठ करके, फोटो खिंचवा करके बात कर रही थी, लेकिन वो पॉलिसी पे नहीं बात कर रही। देखिए, कोरोना काल ने एक महामारी थी, लेकिन इसने लेबर, नेचर, एग्रीकल्चर पे पूरी दुनिया में बहस खड़े किया, लेकिन शायद भारत में उतनी महत्वपूर्ण बहस नहीं हो पाई। खैर, वो एक बड़ा विस्तार हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पूरा का पूरा जिस तरीके से लगातार हम लोग आज बात कर रहे हैं, कि सरकार में कुछ हम मैं योजनाओं के बारे में जिक्र करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। इसे कहा कि सरकार ने कहा कि हम 1,000 रुपया लोगों को देंगे, और उनको 1,000 रुपए देंगे, और उनको जो पहुंचेंगे अपने घरों पे तो उनको हम राशन किट देंगे। अब जबकि जो जो आंकड़ा है, मौजूदा जो आंकड़ा है, जो ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है, कि लगभग आत्मनिर्भर योजना के तहत 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 2 माह मई और जून में 8 लाख टन अनाज जारी किया गया, और 8 लाख टन अनाज जो जारी किया गया वो मात्र 2 माह में 24 लाख मजदूरों तक पहुंचा। मतलब कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए आपने 8 लाख टन 2 महीनों के लिए जारी किया, और मात्र 2 महीनों में 24 लाख तक पहुंचा। आप सोच सकते हैं कि ये 8 करोड़ और 24 लाख की कितनी मने की ये है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं हो रही। मतलब कि पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट का अनाज की बोझ देने की स्कीम थी वही फेल हो गई है। दूसरा मामला कि उत्तर प्रदेश में माइग्रेशन कमीशन की बात योगी आदित्यनाथ ने बोला, और उन्होंने माइग्रेशन कमीशन बोला, और फिर उसी उन्होंने बोला कि कामगारों के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे, और बहुत ही उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, यूपी गवर्नमेंट में बहुत तू-तू-मैं-मैं चली, और उन्होंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश से कोई माइग्रेशन करेगा तो वहां पर बताना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए सहमत हूँ कि कोई माइग्रेशन पॉलिसी होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे यहाँ के लोग विदेशों में जाते हैं तो भारत सरकार को मालूम होता है कि हमारे यहाँ के लोग कितने लोग जा रहे हैं, और वहां की सरकार को मालूम होता है कितने लोग जा रहे हैं। उसके सम्मान का भी सवाल है, उसकी कोई मेडिकल फैसिलिटी या कोई और फैसिलिटी की जरूरत हो जाती तो भी उसे मिलेगी। ये कदम अच्छा था, लेकिन ये कदम सिर्फ तू तू मैं मैं में रह गया। और जैसे मैं आपको एक अभी का तत्काल का मैं एक एक वाक्या छोटा सा शेयर करूं, कि अभी आजमगढ़ में अभी पिछले दिनों जो ट्रेनें जो चलने वाली थी, मैं खास तौर पर आजमगढ़ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैंने 225 मजदूरों पे लगभग मैंने 38 गांवों में बातचीत किया, सर्वे किया, उनसे एक डेटा एनालिसिस करने की कोशिश किया। अब उसमें पिछले दिनों एक प्रवासी मजदूर जो है उसने पंजाब गया था, और उनका नाम था जो
मैं कर रहा हूँ, नीरज राजभर संभवतः उनका दिमाग में नाम उतर रहा है, तो वो थे और वो गए और वहां से उनकी उनकी डेथ हो गई और वो व्यक्ति उसकी लाश यहाँ पर आई। सवाल इस बात का था कि यूपी गवर्नमेंट ने बोला था कि माइग्रेशन कोई करके जाएगा तो वो हमको उसके बारे में डाटा हमारे पास होगा और आपको बताना पड़ेगा। तो मतलब कि आखिर में वो क्यों उसकी मौत के बारे में क्या सरकार को मालूम है या प्रशासन को मालूम है? ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो लोगों को कहा गया, जो जो सरकार ने कहा कि हम जो है उन्होंने 26 तारीख को एक मेगा शो किया और मेगा शो में कहा कि हम लगभग 1,10,00,000 मजदूरों को इन्होंने उन्होंने रोजगार दिया और उसमें इन्होंने कहा कि 26 जून तक हम 57,000 से अधिक एमएसएमई को इकाइयों को जो ऑनलाइन लोन हम इन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि नवीन छतरी योजना के तहत लगभग 18,000 बैंक शाखाओं को लक्ष्य दिया गया और उस की अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति की महिला को अनिवार्य रूप से 36,000 लोगों को लाभान्वित किया जाए, ऋण दिया जाए। लेकिन वहीं पर अभी आजमगढ़ में एक हरौला एक जगह है और वहां पर एक प्रवासी मजदूर हरेंद्र कुमार 45 वर्ष के थे, उनकी बबूल के पेड़ पर लाश मिली। तो सवाल इस बात का है कि अगर योगी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा रोजगार दे दिया था तो हरेंद्र को क्यों आत्महत्या करनी पड़ी? और आज आज ये प्रवासी मजदूर जाके मर रहा है पंजाब में, इसके बारे में कोई बात नहीं। हरेंद्र नाम का, हरेंद्र एक मैं बात बता रहा हूँ आजमगढ़ की, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। और बिहार चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी ने खुद जो एक योजना उन्होंने लाया कि 20 जून को लाया कि 6 राज्यों में 116 जिलों के लिए 39,00,000 श्रमिकों के लिए 50,000 करोड़ वाली गरीब कल्याण योजना, और उस योजना में यूपी के 31 जिले आते हैं और प्रत्येक जिले में के 25,000 प्रवासी मजदूरों को गरीब कल्याण योजना के तहत 125 दिनों का काम मुहैया कराने की बात हुई। ये आप कह रहे हैं कि आपका ये आप गारंटी दे रहे हैं और ये 4 महीने तक आपने कहा है कि रोजगार मुहैया कराने के लिए, और सीतारमण जी जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रवासी मजदूरों के लिए हम स्कीम को 6 से 1 साल तक करेंगे। मतलब कि अगर हरेंद्र आत्महत्या कर रहा है तो उसके लिए 2 सवाल है कि अगर हरेंद्र आत्महत्या किया तो सवाल एक तो नंबर एक का सवाल है कि आखिर में हरेंद्र के परिवार वाले कह रहे हैं कि उसके पास रोजगार नहीं था इसलिए आत्महत्या किया, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 1,10,000 लोगों को रोजगार दे दिया। अगर प्रवासी मजदूर था तो उसको क्यों नहीं रोजगार मिला? अगर आप कह रहे हैं कि आपने माइग्रेशन कमीशन बनाया है, आपने कामगार कमीशन बनाया है, तो कामगार कमीशन के बावजूद कोई जाकर के पंजाब जाके कोई प्रवासी मजदूर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आपका वो माइग्रेशन कमीशन क्या कर रहा है? कौन कहां सवाल पूछेंगे हम? कुछ आपका मामला नहीं है, क्योंकि मामला है कि ये बात इस लिहाज से मौजूद है, कोरोना काल में ही माइग्रेशन सवाल उभरा और प्रवासी मजदूर का सवाल उभरा। लेकिन अगर हम इस बात को कहेंगे कि कोरोना खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, प्रवासी मजदूरों के सवालों पर हम नहीं बात करेंगे, तो मतलब ये अपने आप में एक मजदूरों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा हो रहा है और उसको इस पूरे सवाल को लेकर गवर्नमेंट की भी चुप्पी है और पूरा विपक्ष इस सवाल पर बात करने के लिए तैयार नहीं। ठीक उसी तरह से क्यों? क्योंकि पॉलिसी स्तर पे ये जो प्रोडक्शन का जो जो सबसे बड़ी उसकी ताकत होती है मजदूर ताकत होती है, और सब लोग जानते हैं कि अगर मजदूर के अगर हम सवाल पे बात करेंगे तो आपके उसके उसके इंश्योरेंस की बात आएगी, उसके मेडिकल फैसिलिटी की बात आएगी, तो निश्चित रूप से जो इस देश में जो कंपनी राज बन रहा है उस पर ये बड़ा हमला होगा, इसीलिए आज इन सवालों पे बात नहीं हो रही। लुब्रा जी, मैं एक सवाल पूछूंगी, इसके बाद आप पूछना शुरू करेंगे। हाँ, तो और एक आपने थोड़ा बताया लेकिन जरा और भी, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है हिंदुस्तान में, क्या है कि उधर से आते बहुत लोग हैं, जाते बहुत लोग हैं, प्रवासी मजदूरी नहीं बाकी कामों के लिए भी। हाँ, तो
यही है कि लेकिन प्रवासी मजदूरों को हर एक राज्य ने उनको अकेला अनाज छोड़ दिया और कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा। आपने जैसे बोला बहुत सही बात है कि कोई उसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको मालूम है कि वो उनके बारे में कुछ करेंगे नहीं। हाँ, और ये बहुत खराब बात है। लेकिन प्रवासी भारतीयों को बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा उनके लिए बहुत स्वागत होता है। हर एक साल दो साल में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लोग इधर से जब जाते हैं अमेरिका वो, और हमने ये भी देखा ना कि एनआरआई के लिए इतना खर्चा किया गवर्नमेंट ने, इतना मेहनत और जिम्मेवारी उठा के सबको वापस ले लिया, लेकिन जो हिंदुस्तान में ठहरे हुए हैं हमारी भाई बहन, उनको तो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। और अभी जो औरतों हैं, औरतें हैं जो एक होंगे, एक तरह के होंगे जो खुद प्रवासी हैं, उनका और बच्चों उनके साथ जो होते हैं कई बार, उनके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? आपने देखा होगा कि उनका हालत तो और भी बिगड़ा हुआ होगा। और दूसरी बात यह है कि जिनके घरों से आदमी लोग निकलते हैं बाकी राज्यों में काम के लिए, उनका भी हालत कैसा होता है? कि जैसे ये हम बोलते हैं विमेन हेडेड हाउसहोल्ड्स, और कई बार जब आत्महत्या कर देते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, किसान होंगे या कोई और मजदूर होगा, तो हमेशा औरतों पे और कभी कभार उनके बच्चों पे बहुत बुरी असर पड़ती है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम जानकारी है और बहुत कम फोकस भी है। आप थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बात बता सकते हैं? जी जरूर, और बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरह से श्रम के जो पूरा मूल्य है उसमें महिला के उनके श्रम की बात ही नहीं, ठीक उसी तरह प्रवासी मजदूरों में हम बहुत सारे गांव में जब गए तो वहां पर हमने जब पूछा कि महिलाएं भी आई हैं और क्यों, तो हाँ आई हैं, उनको 1,000 रुपये मिला, राशन मिला, नहीं उनको नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वो तो उनके मर्द को मिला, मतलब। अब जब मैं पूछते थे, जैसे मैं कुछ आपको कुछ गांव के कुछ महिलाओं के मैं आंकड़े भी आपको बताऊंगा, उसमें नहीं नहीं वो तो गए थे अपने पति के साथ गए थे, अपने बच्चे के साथ गए थे, मतलब उसको काम वहां पर करती थी नहीं करती थी, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं, मैंने उनको प्रवासी ही नहीं मान रहे थे, मजदूर ही नहीं मान रहे। जैसे मैं एक जिस सर्वे के बारे में आपने बात किया, उस सर्वे की डिटेल करते हुए मैं थोड़ा सा एक दो महिला मजदूर साथियों के बारे में बात रखूंगा यहाँ पर। जैसे कि हम लोगों ने लगभग जो 38 गांव में सर्वे किया, एक आजमगढ़ में निजामबाद क्षेत्र में एक गौसपुर गांव, वहाँ 71 लोगों से हमने जानकारी ली कि क्या कि कोविड महामारी में आपको क्या दिक्कत हुई। उसमें 5 लोगों ने बोला कि भुखमरी की स्थिति आ गई, 35 लोगों ने कहा कि सरकार से कोई सहायता नहीं प्राप्त हुई, 6 लोगों ने कहा कि राशन मिला कुछ नहीं मिला, 12 लोगों ने बताया कि एक बार 1,000 रुपया और राशन मिला, और 13 लोगों ने खाने और रोजगार की दिक्कत बारे में बताया। ठीक इसी तरह एक गांव मुया मखदूमपुर है, जहां पे 51 लोगों में इसी सवाल पे उन्होंने 32 लोगों ने बेरोजगार होने और 19 लोगों ने भुखमरी और काम बंद और खाने के संकट के बारे में बात किया। ये मैं 2 गांव के एक छोटे से आंकड़े पे आपको मैं आप ले गया कि किस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि भुखमरी की स्थिति, और ठीक उसी तरह से उन्हीं में देख रहे हैं कि आप लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को जो है रोज 1,000 रुपये मिले और कुछ लोगों को अनाज मिले कुछ लोगों को नहीं, मतलब कि आपने जब उत्तर प्रदेश में 31 जिलों को इन्होंने जो प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना के तहत जोड़ा है उसमें प्रवासी मजदूरों की बात कही है, लगभग आजमगढ़ में 1,77,000 मजदूर आए, इसी तरह से सिद्धार्थनगर में 1,40,000 के तकरीबन आए, मतलब कि आप किसी को दे रहे हैं अनाज, किसी को 1,000 रुपये दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसने, मतलब ये बड़ा भ्रष्टाचार। दूसरा कि सवाल जो ऐसे कि जो आपने कहा कि या महिला जो मजदूर साथी उनके बारे में, तो जो गौसपुर निजामबाद की नेहा बताती है कि वो मुंबई में गारमेंट एक सिलाई में काम करती थी,
और 3,000 रुपया वहां पर वो उनको मिलता था, और रोजगार बंद होने से उनका आर्थिक स्थिति खराब हो। उसी तरह से रेखा और बिंदु भी आजादपुर में दिल्ली में रह करके सिलाई करके 4,000 रुपए कमाती थी, और इनको भी सरकार से कोई सहायता नहीं मिली और इनको भी खाने के लिए। मतलब कि आप जो भी प्रवासी मजदूर, महिला मजदूर आया, उसको आपने प्रवासी माना ही नहीं। लेकिन एक चीज है, आंकड़े में माना है आपने, स्किल मैपिंग में माना है, सब में माना है, लेकिन जब उसको 1,000 रुपए देना और अनाज किट देने की बात हुई तब नहीं माना है। और एक छोटी सी बात से मैं इसको कहूंगा कि अगर आप योजनाओं में देखें तो पहली बार इन्होंने कहा कि हम लोगों को किराया देंगे, खैर लोग किराया दे के भी आए, कुछ लोगों को 1,000 रुपए देंगे, इन्होंने कहा कि हम राशन किट देंगे, फिर इन्होंने कहा माइग्रेशन कमीशन, फिर इन्होंने कहा कामगार आयोग, फिर इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत हम देंगे, फिर उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की योजना के तहत। मतलब मैं जो ये योजनाएं आपको जो पॉपुलर योजनाओं में आ रहा है, इसमें ये योजनाएं 8-9 योजनाएं आ गई, लेकिन आप इन प्रवासी महिला मजदूरों नहीं, इन प्रवासी मजदूरों से भी आप बात करेंगे तो सर बस लोगों को बस इतना मालूम है कि सरकार ने 1,000 रुपया और राशन देने के लिए, वो भी जब जिस महीने गए थे वो उस महीने देने के लिए कहा है, ना कि आगे देने के लिए कहा है। मतलब सरकार ने कोई भी विज्ञापन इन योजनाओं का नहीं किया है क्यों, और लगातार दावा लगातार हो रहा है हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आपने मजदूर तो लॉकडाउन में पेपर भी बंद हो गया था, तो कौन सी आपने वॉल राइटिंग करवाई? कहीं मैंने तो आज तक एक वॉल राइटिंग नहीं देखी कि आपने तमाम रोजगार गारंटी योजना, तमाम योजनाओं के लिए आप वॉल राइटिंग करवाते हैं, तमाम चीजें करवाते हैं, लेकिन आपने इन योजनाओं को जनता तक ले जाने की क्या कोशिश किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप ये सब का भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। और ये सवाल इस बात पे भी है कि अगर आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो इतने बड़े पैमाने पर ट्रेनें क्यों चला रहे हैं आप? किस लिए ट्रेनें चला रहे हैं? क्या आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और लोग चले जाएं, आपका सरदर्द खत्म हो और उनके नाम पर आप उनके नाम पर जो आपका घोटाला है वो चलता है। शुक्रिया राजीव भाई। लुबना जी, आप अभी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं राजीव जी से, या मैं जारी रखूं? हाँ, मैं पूछूं तो? ओके, प्लीज कंटिन्यू। या ओके, थैंक्स। हाँ राजीव जी, बहुत खुशी हुई आपसे यहाँ मिलके। मेरी बात सुनाई दे रही या कुछ एडजस्टमेंट्स करूं? सुनाई दे रही? सुनाई दे रही, सुनाई दे रही। शुक्रिया। तो बहुत अहम चीज आप बताए कि पॉलिसी की जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, बल्कि मैं ये तो आपको ये बताऊंगी कि आप जो बात बताए कि ये लोग रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे कि हम यहाँ पर भी हम डाटा रखेंगे कि कौन जा रहे हैं, कौन माइग्रेंट वर्कर जा रहे हैं, और वो तो ऑलरेडी एक्चुअली पॉलिसी में लिखा हुआ है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की जो एक्ट है 1997 की, उसके तहत में जी सोर्स स्टेट, जैसे कि अगर यूपी से कोई महाराष्ट्र जा रहे हैं तो सोर्स स्टेट यूपी में और डेस्टिनेशन स्टेट महाराष्ट्र में, दोनों स्टेट्स में इनकी एंट्री होनी चाहिए। और वो एंट्री इसलिए, जैसे आप बताए कि वो एक सेफ्टी नेट है उन लोगों के लिए, और वो सेफ्टी नेट में क्या है, उसमें जो फॉर्म ये लोग भरते हैं उसमें उनकी, जहाँ पर वो यूपी में रहते हैं, जहाँ पर वो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, और इनकी बैंक अकाउंट से लेके हर चीज उसमें वो डेजिग्नेटेड जो फॉर्म है, गिवन फॉर्मेट वो एक्ट में जो है वो उसमें पूरी, ये पूरी डिटेल्स आ जाते हैं। तो अब बात ये हुआ कि दोनों स्टेट्स ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए, तो अब दूसरी बात क्या है कि क्यों नहीं किए? तो और एक एक्ट है जो कि बिल्डिंग वर्कर्स कंस्ट्रक्शन रूल्स, उसमें क्या है, फंड है, स्टेट वाइज फंड बनती है, और वो फंड में क्या है, जो कंस्ट्रक्शन फर्म्स है उन लोगों को उसमें उनकी कंस्ट्रक्शन आउटले में से 1-2% वो एक्ट के तहत में उनको वो सेस उसमें डालना पड़ता है, और वो वर्कर्स की फंड है और डालना पड़ता है कंस्ट्रक्शन फर्म्स को।
तो ये जो पॉलिसी की जो बात है, इसलिए एग्जिस्टिंग पॉलिसी की बात इसलिए हर सरकार ने नहीं छेड़ी, क्योंकि अगर छेड़ते तो उनकी गलती एक तो पकड़ में आती, और दूसरी बात यह है कि वो अगर कंस्ट्रक्शन फर्म्स जो है, क्योंकि बड़ा टिकट है, बड़े पार्टियां हैं ये सभी, उनको जो फंड डालना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट को जो फंड मेंटेन करना चाहिए था, वो लोग वहां पर फंड डोनेट किए नहीं किए, कौन किसने चेक कर, तो ये बात उभर आ जाएगा। तो इसीलिए आप जिस पॉलिसी की जो अहम बात निकाले ना, वो पॉलिसी के पीछे की कहानी ये है, और सीएम, यूपी के सीएम कुछ नया नहीं कह रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग एक्ट की बात वो कह रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको इस बात पे क्यों ला रही हूँ, क्योंकि आप जित जो काम करे माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर, तो उसमें से आप आरटीए के तहत या दूसरे माध्यम के तहत, आप क्या ये फंड्स की बात, यूपी स्टेट फंड होती है, यूपी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फंड एक अलग फंड है, क्या उन लोगों ने उस फंड की, क्या व्हाट आर द डिटेल्स, वो वेबसाइट पे डाले नहीं डाले, उनके पास कितना कलेक्ट हुआ, किस कंस्ट्रक्शन फर्म ने दिया, और वो कहाँ खर्च हुआ, क्योंकि कहाँ खर्च होना चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स की कौन सी चीज, वो भी रूल्स में लिखा हुआ है। जैसे उनकी शादियां या उनकी एक्सीडेंट हो जाए, या कुछ उनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वाकया हो जाए उनके साथ, तो इन चीजें वो भी लिखा हुआ है। तो ये जो सेफ्टी नेट के तहत में ये दोनों जो एक्ट है, और भी एक्ट होंगे, लेकिन ये दो तो अहम एक्ट जो मेरे नजर में है, तो इसमें आपने कुछ इनके कोई वर्कर्स को ये पता था क्या, या आपने कुछ आरटीए में इसके बारे में कुछ करे, या आपके आप लोगों के बीच में इसकी कुछ डिस्कशन हुई रिहाई मंच के जरिए, या कुछ और, या एसपीए के जरिए जुड़ के, तो उस लिहाज से अगर नहीं किए तो आप कुछ उस डायरेक्शन में करना चाहेंगे, तो हम तो यहाँ से जो भी हमारा अनुभव है वो आप कुछ शेयर कर सकते हैं, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया लुबना जी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को आपने शेयर किया। और देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे कि हम लोग खास तौर पे जो पुलिस एट्रोसिटी या स्टेट के द्वारा जो दमन होता है, वैसे सवालों को हम लोगों को ज्यादा तौर पे रिहाइमेंट के तरह उठाते हैं। यहाँ पर ये हम लोगों ने जब मजदूरों के सवालों को, ये लॉकडाउन में आया और हम लोगों को लगा कि सोशल जस्टिस का पॉइंट ऑफ व्यू पे ही ये सवाल है, और इस सवाल को हम लोगों ने इसी डायमेंशन में हम लोगों ने इस सवाल को हमने उठाया। और इसमें जो हम समझ पा रहे हैं कि जो खास तौर पर हम जो आप बात कर रही हैं, शायद ये यूपी में इस पर बहस नहीं कर रही। देखिए, आप देखिए, मामला है कि जैसे बिहारी मजदूरों के बारे में बातचीत है, जैसे हम जब जाते हैं कहीं पर, ये दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो हमको कहा जाता है बिहारी, लेकिन हम बिहारी नहीं है। हमें बिहारी होने पे, कहने पे कोई उस तरह का कोई आपत्ति नहीं है। वो एक बिहार की भोजपुर रेंज से हमारा रेंज जुड़ता है, तो उस लिहाज से हमको बिहारी आइडेंट करते हैं, लेकिन हम यूपी के हैं, पूर्वांचल के हैं। आप जो आपने बात कही कि कभी भी माइग्रेशन का सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है, कभी भी हमारे क्या पूर्वा मजदूर का सवाल भी बात नहीं है। जैसे बिहार में आप देखेंगे, बिहार में मजदूरों के लिए बहुत सारे, लालू जी के समय में भी बहुत सारे ट्रेनें चलाई गई, नीतीश के समय में भी ट्रेनें चलाई गई, लेकिन ऐसा सवाल पूर्वांचल में कभी नहीं रहा है। जो ट्रेनें बिहार से निकलती हैं, उन्हीं ट्रेनों में इधर के लोग लग जाते हैं, माने कोई ऐसी पॉलिसी भी कभी बनी नहीं। दूसरा कि पूर्वांचल के सिलसिले में कभी कभी पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है, इस लिहाज से यहाँ पर बातचीत होती थी। ये जैसे कि आप जो बात कर रही हैं, जैसे क्या है कि पूर्वांचल का जो जो बेल्ट है, इसमें जैसे अभी किसान आंदोलन जैसे चल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन पूर्वांचल के बेल्ट में नहीं है। हमारे क्या का जो मजदूर है या किसान और खेतिहर मजदूर किसान है, माने खेती करता है और मजदूरी भी करता है, वो जाके बंबई में कमाता है, बंबई में वो मई और जून में पैसा भेज देता है अपने पिता को, अपने पत्नी को, कि वहां पर बिया पड़ा देना, वहां पर ये डीजल का, बिजली का, खाद का पानी है, और उससे आधार पे यहाँ पर खेती शुरू होती है, और उसके आधार पे फिर वो जो है वो कुछ खाता है, कुछ थोड़ा बहुत बेच देता है। मतलब कि यहाँ पर जो किसानी है, जो वेस्ट यूपी या हरियाणा पंजाब की तरह, उसके उस पर जो है आप जो है
कुछ खरीद नहीं सकते हैं, बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं, जो आमतौर पर उसको अगर घर में शादी ब्याह करना है तो मुंबई और दिल्ली के बल पे ही वो चलता है ये मामला। दूसरा कि जो हमारे यहाँ कभी इसकी कभी भी इस पॉलिसी की बात नहीं हुई, दो पॉलिसी में छोटी छोटी कभी कभी बात हुई, जैसे कि हमारे यहाँ पूर्वांचल विकास निधि का गठन 90s में के दशक में हुआ, लेकिन पूर्वांचल विकास निधि को आप देखेंगे उसको कोई डिबेट ही नहीं किया, कहाँ पर पूर्वांचल विकास निधि खर्चा होती है, किसके ऊपर खर्चा होती है, कुछ नहीं। कभी किसी जगह पर आप रोड से गुजर जाएंगे तो कहीं कोई एक शिलापट लगा रहेगा कि पूर्वांचल विकास निधि से बना है, लेकिन पूर्वांचल विकास निधि पे कोई बात नहीं। योगी आदित्यनाथ के समय में पूर्वांचल विकास एक बोर्ड आयोग बनाया गया, जिसकी गोरखपुर में ऑफिस है, वो उसकी कुछ मीटिंग लॉकडाउन के पीरियड में हुई, लेकिन मजदूरों के प्रति उसका कोई कमिटमेंट है कि नहीं इसके बारे में उसका कुछ क्लियरिटी नहीं है। इस दौर में जब लॉकडाउन हो रहा हुआ और हम लोगों ने मांग किया कि कम से कम सेंट्रली उत्तर प्रदेश एक वेबसाइट बनाए माइग्रेशन करने वाले लोगों के लिए कि वो अपनी जानकारी तो नहीं पा पाए, इनोडल ऑफिसर को आपने प्रमुख सचिव का नंबर दे दिया है, प्रमुख सचिव नॉर्मल वक्त में तो फोन उठता नहीं है, इतने बड़े लॉकडाउन में कैसे फोन उठता। इन्होंने वनली वन गोरखपुर में जिले के लिए एक इन्होंने माइग्रेशन के मजदूरों के लिए इन्होंने एक वेबसाइट बनाई, मतलब कि अगर योगी जी गोरखपुर के रहने वाले हैं तो गोरखपुर के लिए बनेगा, जबकि बनना चाहिए था पूरे उत्तर प्रदेश के जिले के लिए बनना चाहिए है, और पूर्वांचल के लिए बनना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये जो आप सवाल कह रही है, इस सवाल पे कभी यहाँ पर बात ही नहीं थी, बहस ही नहीं थी। और दूसरा ये कि जैसे कि आप जो बात कर रही हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ ने जो पूरा इन्होंने जो 2020 जो नई स्टार्टअप नीति लाई इन्होंने जो है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है 1.5 लाख लोगों को हम रोजगार का दावा कर दिया है, और उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10,000 स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे जिसमें 88 लाख श्रमिकों को प्रतिदिन मनरेगा में रोजगार मिलेगा, या 50 लाख से अधिक लोगों को के एमएसएमई के इकाइयों द्वारा 11 लाख कामगारों को नए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अब जबकि मैं सच्चाई ये है कि अभी जो भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंट सर्वे हुआ है उसमें जो जुलाई 2020 में था जिसमें 77.8 लोगों ने माना कि इसमें मौजूदा स्थिति खराब है, और जो कि जुलाई 2019 में 37.4% थी, मतलब कि डबल दुगना हो गई है। लेकिन पॉलिसी में भाषा में स्टेट गवर्नमेंट की मानने के लिए ये तैयार नहीं। हाँ, तो यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप ग्रास रूट्स पे करीब करीब 225 माइग्रेंट वर्कर्स के साथ आप बहुत क्लोजली काम कर चुके हैं, और मैं तो ये भी प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आपने उन लोगों की जो स्टेटस है फाइनेंशियल मामले में हो या सोशल मामले में हो या उनके पास की जो एसेट वैल्यूज है, वो चाहे 1 एकड़ भी हो या कितने भी हो, आप उनको कहीं ना कहीं आप डॉक्यूमेंट किए ही होंगे, क्योंकि आपकी पूरी मेहनत है वो काम। तो उसमें क्या ये जो स्किल मैपिंग की जो बात निकली है प्रधानमंत्री की ओर से, और जो आत्मनिर्भर के तहत में जो पैसा दिया जा रहा है, तो मेरा एक मैं कोई उन स्कीमों से मैं कोई सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप इनकी सर्वे करें तो क्या आपने फैमिली डिटेल्स के अलावा आपने क्या उनके एजुकेशन डिटेल्स पे गौर किए, क्योंकि कोई भी माइग्रेंट वर्कर्स की एजुकेशन डिटेल पे बिल्कुल गौर नहीं करता, सिर्फ ये कहते हैं कि कहाँ से है, कितने बच्चे हैं, कितना क्या है, नोबडी इज बॉदर्ड कि ये माइग्रेंट कहाँ तक पढ़ा लिखा है। क्योंकि ये जो मैं अभी जो पॉलिसीज आपको बताई उसके तहत में जब माइग्रेंट वर्कर कोई तेलंगाना से अगर यूपी को आते हैं तो उनको ये जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन के बाद उनको एक कार्ड दिया जाता है, वो कार्ड उनकी पहचान है। अगर यूपी से कोई माइग्रेंट भाई यहाँ पर आ गए तो तेलंगाना में उनकी वो पहचान है, वो कार्ड, वो नंबर होता है, कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो वो कार्ड कई लोगों यहाँ पर जिन जिन से भी मैं बात करी बिहार के या यूपी के लोगों से, किन्हीं के पास नहीं था, कई लोगों के पास नहीं था,
कुछ लोगों के पास था। तो बात यह है मालूम कि प्रधानमंत्री होते हुए अगर हम प्रधानमंत्री होते तो हम ये सोच बिल्कुल ये इतना ही नहीं सोचते कि सिर्फ कि भाई उनको कुछ स्किल दिया जाए, हम तो ये भी सोचते कि उनको इल्म वाला बनाया जाए। तो ये क्यों मैं ये बात कह रही हूँ कि इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल कम रहती इन लोगों के पास, पैसा नहीं रहने की वजह से और पढ़ाई नहीं रहने की वजह से, क्योंकि इनको फॉर्म भरना नहीं आता, फॉर्म पढ़ना नहीं आता, किसी से चल के एक बात करने की हिम्मत नहीं रहती इनके पास। उनकी दो वजह है, पैसा नहीं रहना और इल्म नहीं रहना। लेकिन मैं सबको इनको बताती हूँ कि पैसा नहीं रहने से कोई कॉन्फिडेंस कम नहीं रहता, जब आपके पास इल्म होता है तो, जब आप पढ़ सक रहे तो, जब आप फॉर्म पढ़ सक रहे तो, जब आप समझ सकते हैं, जब आप पूछ सकते हैं कि कार्ड नहीं है, मेरी ये हक हक है और मेरे हक मुझे नहीं मिल रहे हैं, जब आप इल्म वाले रहते हैं, जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपके पास पैसा नहीं हो तो भी आप 100% कॉन्फिडेंस से एक मिनिस्टर से भी आप बात कर सकोगे। ये बात इनको काफी मेरे ग्रास रूट में मैं समझाते रहती हूँ। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट भी है और मैं जानना भी चाहती हूँ कि इन लोगों जो स्किल मैपिंग जो कह रहे हैं, ओके, कि ताकि आप और स्किल हासिल कर लो और वही लेवल पे आप रहो और हमारी खिदमत करो, ये नहीं है। हमको भारत का हर नागरिक को हम एकदम पढ़ा लिखा इन्फॉर्म्ड सिटीजन देखना चाहते हैं, जो हमसे पूछ कर सके, जो सरकार से सवाल कर सके बगैर झिझक के। तो ये जो स्किल मैपिंग के अलावा हम लोगों को चाहिए लिटरेसी मैपिंग और एजुकेशन मैपिंग, ये कहाँ तक पढ़े हैं, इनके बच्चों के पढ़ने की लेवल क्या है। तेलंगाना में से 14 साल की बच्ची जो छत्तीसगढ़ या झारखंड के उसके घर के समीप तक चल के गई और वहां पर उसका नाम है जमलो, जमलो नाम की 14 साल की बच्ची जो कि स्कूल में रहना चाहिए था, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं हुआ क्योंकि वो चाइल्ड लेबर में आ जाता है, और वो घर पहुंचने से पहले लॉकडाउन में वो मर गई चलते चलते। तो ये मैपिंग जो होनी चाहिए ना, वो सिटीजन की लिटरेसी लेवल और एजुकेशन लेवल की होनी चाहिए, उनकी एस्पिरेशनल मैपिंग होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं, बच्चों को कहाँ करना चाहते हैं, आपके आगे के प्लान्स क्या है। सरकार को इसकी फिक्र नहीं थी, वो बस कुछ और गुलाम तैयार करने की फिक्र थी उनको, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री सफर हो रही थी वहां पर। तो आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी इस पे क्या विचार है और आप इसकी ओर कुछ कदम उठाएं, या आप क्या सोचते हैं कि कुछ करें इस मामले में हम लोग मिलके, यानी एसपीआई और रिहाई मंच, ये मेरे आपसे सुनना चाहूंगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया कि स्किल मैपिंग, स्किल मैपिंग का जो पूरा सवाल था। अभी देखिए, हमारे यहाँ जब जो मजदूर आने लगे तो गवर्नमेंट ने जो मनरेगा के तहत कहा बात, मनरेगा के तहत जो काम आमतौर पर होता है वो गड्ढा खनने का होता है, कुछ इसी तरह का काम आमतौर पर पोखरे का खनने का होता है था जी। उसके बाद जो प्रधानमंत्री रोजगार कल्याण योजना इन्होंने लाया, उसमें इन्होंने कहा भी कि 27 के नीचे हम रोजगार दे रहे हैं और ये स्किल मैपिंग के तहत दे रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने किया कि लगातार, इसमें एक उदाहरण दूं, एक रिंकू यादव नाम का एक लड़का है, वो एक गांव आजमगढ़ का है, शेखुपुर, वहां का रहने वाला। जब उसने अपने गांव के में जो जेसीबी चल रही थी और उसने उस जेसीबी का, चूंकि वो एक मजदूर है, चेतना वाला मजदूर है, पढ़ा लिखा मजदूर जो आप कह रही हैं, क्योंकि देखिए कि जो जिस तरीके से जो मजदूर लगभग 50 के तकरीबन है, लगभग वो मजदूर इस समय 8, 9, 10 तक लगभग पढ़ा है, और जो मजदूर इस समय लगभग 35, 30 है, वो मान के चलिए कि लगभग इंटर या फिर बीए एक दो साल इस तरह से किया हुआ है। माने कि अब वो वाला मजदूर नहीं है कि अंगूठा छाप है, और जो क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे गूगल फॉर्म जब भेजे तो लोगों ने खुद ही अपडेट करके गूगल फॉर्म भेज दिए, मतलब उसकी अपनी एक स्किल समझदारी लिखने पढ़ने की है। रिंकू यादव ने जब अपने ग्राम प्रधान के ऊपर सवाल उठाया और जेसीबी का कि ये खुदाई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ही, रिंकू यादव के ऊपर ही मुकदमा कर दिया।
और बाद में उनकी जमानत हुई और उनके बारे में आया कि प्रधान ने FIR करवाया कि दबंग ने जो है गांव के काम को रुकने में बाधा पहुंचाई। और इस तरह से जो आमतौर पर देखा जाता है कि ये हर गांव की कहानी। अभी हमारे एक साथी हैं राय नारायण जी, जो छात्र पिता है, वो अपने गांव में जो प्रधान थे वो जो वहां सामुदायिक शौचालय बन रहा था उसको वो पोखरे के पास बनवा रहे थे। तो जब उनमें उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठाया तो जबकि वो प्राकृतिक लिहाज से देखा जाए, प्रदूषण के लिहाज से देखा जाए तो गलत है कि पोखरे के पास में आप सामुदायिक शौचालय बनवाए, लेकिन वहां पर लेकिन उल्टा ही प्रधान उनके ऊपर हमला किया, उनके ऊपर FIR दर्ज किया दिया। तो मतलब कि जो ये जो भ्रष्टाचार है उसमें जो स्किल मैपिंग या इस तरह की जो बातचीत थी जो है ये सिर्फ और सिर्फ पूरी कल्पना रह गई। क्योंकि अगर स्किल मैपिंग के नाम पर आपने किया तो स्किल मैपिंग के नाम पर अगर आपने किया तो वो मजदूर क्यों बाहर जा रहा है? यहाँ जैसे आजमगढ़ में आजमगढ़ में जैसे इन्होंने जो आंकड़ा दिया है लगभग कि जो प्रवासी मजदूरों का, तो उसमें इन्होंने कहा कि 10 जैसे 10 सवाल उन्होंने पूछा और यहाँ तक कि पूछा पूछा कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अब उसमें जो इन्होंने कहा है कि 40% सत्यापन में अकुशल मिले हैं और 60% जो है कुशल मिले हैं मजदूर, और जिसमें लगभग 85,000 मजदूर जो है मई तक आ गए थे और लगभग 54,000 मजदूर को उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये उन्होंने देने का वादा किया। अब मामला इस बात का है कि अगर 60% मजदूर आपके पास कुशल है, मतलब अकुशल मजदूरों से ज्यादा कुशल मजदूर है, तो आप उन कुशल मजदूरों के लिए आपने जो गवर्नमेंट पॉलिसी लाई थी वो इम्प्लीमेंटेशन तो जमीन पे है नहीं। जब मनरेगा में आप वो सवाल उठा रहा है कि JCB से आप खुदाई कर रहे हैं तो उल्टा उसके ऊपर FIR दर्ज करवा रहा है, तो वो कोशिश करता है कि वो चला जाए। दूसरा देखिए, इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण भी है। जो आपने शैक्षणिक वाला सवाल उठाया उसके साथ सामाजिक कारण भी, जो अम्बेडकर जी ने कहा था कि जितनी जल्दी, मैंने उनकी बातचीत थी कि जो गांव का जो सामंती ढांचा होता है उससे बाहर निकल जाओ जितनी जल्दी, क्योंकि वो गांव बहुत प्यारा लगता है दूर से देखने में, लेकिन जो गांव का जो जाति स्ट्रक्चर है, उसका जो रूढ़िवादी स्ट्रक्चर है, बहुत प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर है। तो वहां पर शैक्षणिक रूप से अगर कोई मजदूर दलित है, OBC है, मुस्लिम है, अगर सवाल उठाता भी है तो उसकी कास्ट एनालिसिस के कास्ट के वजह से भी उसको उसको दबाया जाता है। अरे हनवा अब बोलेगा हमारे ऊपर जो है, माना कि वो माना जाता है कि भ्रष्टाचार एक परंपरा है, उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। दूसरा कि छोटी सी बात मैं इसमें बात रखूं कि हम लोगों ने ये भी एनालिसिस किया है कि जो मजदूरों का बहुत बड़ा तबका आया है उस तबके में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मजदूर जो आया है वो OBC दलित और मुस्लिम आया है। अब जैसे कि मैं जो स्किल मैपिंग की आपने बात कही कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी ने कहा था कि जब 2014 वाला ही चुनाव लड़ रहे थे कि हम भदोही एक कॉर्पोरेट वहां पर जो कालीन उद्योग बड़ा उद्योग है, तो उन्होंने कहा कि हमने रेड कॉर्पोरेट यहाँ पर बिछा दी। भदोही से लेकर आप बनारस से लेकर मऊ से लेकर आजमगढ़ तक देखेंगे तो वहां पर आपको अगर आपने स्किल के हिसाब से सोचा होता तो बड़े मजदूरों को आपने बुनकर बुनकरी से जोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में वहां पर हमारे क्या 15 मऊ में एक सूत मिल है, कॉटन मिल है जो बंद हो गई। हमारे क्या जो चीनी मिले हैं वो बंद बंद कर दी गई। हमारे क्या आजमगढ़ में मुबारकपुर में एक तौलिया की फैक्ट्री लगाई गई थी एक समय में कि जो करने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट के पास सचमुच वो स्किल के लिए होती तो आखिर में गवर्नमेंट ने बोल तो रही है रोजगार देने की बात, तो रोजगार कहाँ पर भाई रोजगार दे रहे हैं भाई आप? वो काम करने वाला है IT सेक्टर का है या फिर वो सिलाई में कढ़ाई का सिलाई का काम करने वाला है, कुछ कुछ अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तमाम चीजें सबको आपने बस गड्ढा खोदाने वाला मजदूर मान करके सबको आप चला रहे हैं। कोई आपने एक भी अभी तक, मैंने मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, कोई अगर बता सकेगा तो बहुत बेहतर रहेगा, मेरी जानकारी में भी जानकारी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5-6 महीने को लॉकडाउन हो रहा है, कोई भी एक कोई नई मिल या नया कारखाना नहीं खोदा है खोला है और न ही जो पुराने कारखाने हैं उनको उन्होंने खोला है। जबकि रियलिटी में अगर होना चाहिए कि हर जिले में इंडस्ट्रियल जोन होता है और हर इंडस्ट्रियल जोन में कृषि यंत्र बनाने के तक पहले फैक्ट्रियां हुआ करती थी,
जो कि सब बंद हो गई। तो मुझे एक लगता है कि सवाल है, ये जो बंद हुए हैं, ये पूरे लॉकडाउन में बंद हुए हैं? नहीं, ये जो गवर्नमेंट की जो उदारीकरण की जो पूरी पॉलिसीज है उसके तहत पहले बंद हुई है, धीरे धीरे करके। जैसे कि बहुत सारे जगहों पर, तो जैसे मऊ में 2005 में जो कम्युनल जो सांप्रदायिक तनाव हुए उसकी वजह से वहां पर पूरा बुनकरी वहां की चौपट हो गई जो है। इसी तरह से जो जो बनारस का जो जो और भदोही का बुनकरी है, ये ऐतिहासिक रूप से क्राइसिस में रहे हैं। जैसे अब्दुल बिस्मिल्ला साहब झिनी झिनी बिनी चदरिया जब लिखते हैं, वो 60-70 के दशक के बुनकर के बारे में लिखते हैं। दूसरा कि एक सबसे बड़ा सवाल है कि न सिर्फ आप कुछ कर रहे हैं, बल्कि जो बिजली का रेट था, कम से कम लोग लॉकडाउन में अपने घरों में रहे, आप कह रहे हो कि घरों में रहो, तो लॉकडाउन में बिजली का रेट बेतहाशा बढ़ा दिया। दूसरा कि जो मुलायम सिंह गवर्नमेंट में जो फ्लैट रेट दिया गया था जो बुनकरों के लिए, हमारे क्या एक एक फ्लैट रेट दिया गया कि इसी इतनी ही आपकी बिल आएगी, इन्होंने क्या किया कि उसमें अब वहां पर मीटर लगा रहे हैं। मतलब कि आपको जहां पर प्रोत्साहित करना चाहिए था कि नहीं भाई, दो अगर लगाए हो तुम पावर रूम लगाए हो तो 5 पावर रूम लगाओ, आप हमसे लोन लो, लेकिन वहां पर क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं कि नहीं, ये भी तुम्हारा कैसे बंद हो जाए इसलिए हम बिजली की बिल बढ़ा देते हैं। तो मैं आपसे एक, क्योंकि अभी वक्त की भी कमी है, लास्ट मैं पूछना चाह रही हूँ, आप जिन जिन माइग्रेंट वर्कर्स की फैमिलीज का जो सर्वे करे थे, तो उसमें से आपके सर्वे से क्या पता चला कि वो लोग सब अपनी वापस कहीं जाना चाह रहे बाहर, या फिर वहीं वो लोग कुछ तलाश करना चाह रहे? देखिए, ये बहुत तो महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें बहुत ही ये संवैधानिक और तमाम जो देश में तमाम जो इनके ये जो प्रोग्राम लाए गए, विभिन्न आयोग बने, उस पर भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि लोग कहते थे कि ये जो मजदूर है चला जाएगा, मजदूर अपने गांव से क्यों गया? नहीं, मजदूर, एक मिनट राजीव जी, मजदूर क्या समझ रहे हैं? मजदूर से आपने बात की, बहुत नजदीक से काम किया आपने, उनके ख्याल क्या है, उनके विचार अपने को इम्पोर्टेंट है, वो क्या समझ रहे हैं इस वक्त? वो जो 225 फैमिलीज को आपने सर्वे और बहुत क्लोजली आपने देखा, वो लोग का क्या कहना है? मैं उन्हीं के बारे में आपसे बता रहा हूँ कि जो मजदूर है, कि जो मजदूरों के बारे में कहा गया कि लोग बहुत कहते हैं कि यार ये तो लौट रहा है फिर लौट आएगा, है आप उसको मजबूर को मजदूर को मजबूर बना रहे हैं। सबके अगर हमने सबकी एनालिसिस किया कि सबके बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों के पास जमीन नहीं, अगर हमने कहा कि रोजगार या जमीन, अगर उसके पास जमीन मिले तो वो रुकेगा। दूसरा कि मैं जो आप बात कर रही है, यहाँ पर एक पॉलिसी स्तर का एक बड़ा सवाल है। मैं खासतौर पर अभी मैं बुनकर आंदोलन में लगातार रहा और मैंने बुनकर साथियों से बात किया, मैंने पूछा कि आप बीपी मंडल को जानते हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं जानते। मैंने मजदूर साथियों से बारे में पूछा तो लोग कहते थे कि यार मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या है, तो 27% रिजर्वेशन की बात करती थी, वो तो ओबीसी के रिजर्वेशन नहीं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप जब देखेंगे, मजदूरों के आंकड़ा देखेंगे तो उसमें जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी आप उतना वो मजदूरी में भी वही निकलेगा जो है। तो भारत में ओबीसी की सबसे बड़ी संख्या 54% मंडल कमीशन कर रहा है। अगर इसमें जो मजदूर कह रहा है कि अगर उसके पास जमीन होती तो वो अपने गांव छोड़कर आज फिर से वापस नहीं जाता, मतलब इस बात तो की ये जो 225 माइग्रेंट फैमिलीज जिससे आप काम करे, उनमें से आपके ओपिनियन में कितने प्रतिशत के पास, कितने परसेंटेज के पास कुछ लैंड होल्डिंग है और कितने के पास नहीं है, या सबके पास नहीं है? लगभग देखिए, जो लैंड होल्डिंग, जो जैसे देखिए लैंड होल्डिंग का जो मैंने भी पहले भी बात को कहा कि जैसे कि यहाँ हमारे एरिया का जो मजदूर है या किसान है, ये बड़ा लैंड वाला निकासकार नहीं है, क्योंकि और इसीलिए हमारे क्या आत्महत्या नहीं है, भुखमरी है, होती मौतें। तो दूसरा कि जो अगर इसके पास इतना जो लैंड वाला भी मजदूर किसान है, वो भी अगर बम्बई दिल्ली न जाके कमाए तो उसे अगर खाने पीने का नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक तरीके से कम 4 भाई हैं तो ऐसा नहीं कि चारों भाई को जाना पड़े। अगर लैंड नहीं रहेगा तो सबको जाना पड़ेगा,
लैंड रहेगा तो कम से कम दो भाई यहाँ रहेंगे, दो भाई कमा के लाएंगे तो तुम्हारा शिक्षा दीक्षा चल जाएगा, परिवार चल जाएगा और दो से वो चल जाएगा। उसमें मुझे लगता है कि जो हमने जो लगभग जो हमारे जो आंकड़े में आया वो 70% के पास जो है वो उनके पास जो लैंड जो है नाम मात्र के हैं, एक बिस्सा, दो बिस्सा, चार बिस्सा। मैं उसी बात को मैं कह रहा था कि दो चीजों को मैं छोटी सी बात कहूंगा इसको कि अगर जो जमीन के सवाल पे देश में जो जमीन के बंटवारे के सवाल पे जो बहुत सारे आयोग बने हैं, इनमें बिहार में भी डिबेट है, उत्तर प्रदेश में भी डिबेट है, या फिर मंडल कमीशन भी कह रहा है कि क्रांतिकारी भूमि सुधार की बात कर रहा है, अगर ये भूमि सुधार, क्रांतिकारी भूमि सुधार भारत में हो तो बड़े स्तर पर जो मजदूर हैं उनको उनको अपने खेती किसानी से वो जी सकते हैं। दूसरा इस बात पे है कि जो मंडल कमीशन भी इस बात को कह रहा है, खासतौर पर जो मुस्लिम जो हमारे का क्या का जो बेल्ट है वो जो बुनकरी का बेल्ट है उसमें जो अंसारी जाति के लोग ज्यादा है जो कि ओबीसी में आते हैं, अगर अगर मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार अगर रोजगार पे आप बात करेंगे तो उनके भी रोजगार की गारंटी संवैधानिक रूप से हो जाएगी। लेकिन क्या है कि हमारे क्या है उसको उसको सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन तक, मंडल के नेता या सामाजिक न्याय के नेता भी उसको सिर्फ रिजर्वेशन तक ही रोक के रख दिए कि रिजर्वेशन मिल जाएगा इससे नौकरी मिल जाएगी। नहीं, वो रिपोर्ट आपको खेती किसानी की मजबूती की बात कर रही है, आपके रोजगार की गारंटी की बात कर रही है। ठीक मुझे उसी तरह ऑल ओवर में मुझे लगता है कि जब तक आपके पास जो जो पूंजीवादी मॉडल में से जो निकल करके उसको आपके पास मजबूती से लड़ने की जब तक इच्छा शक्ति नहीं हो, जैसे कि अभी जो बात आ रही है जिस देश में अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने इस तरह से किसानों के बारे में जो बिल लेके आ गई है, तो इस बिल से तो जो अभी माइग्रेशन हो रहा है इस माइग्रेशन की जो जो स्थिति होगी वो और तेज बढ़ जाएगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। दूसरा कि इसके पहले भी देखिए हमारे देश में कांग्रेस गवर्नमेंट में SEZ लाया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाया था, मतलब कि आप कंपनी राज हर गवर्नमेंट के एजेंडे में है कि हम कंपनी राज कैसे स्थापित कर लें और मजदूरों के जो भी अधिकार है चाहे उस संवैधानिक अधिकार जिनकी आप बात कर रही थी उसको उनके खात्मा हो जाए, मतलब जो लिखा भी हुआ है उसको भी अब ये लोग नहीं बर्दाश्त कर पा। तो राजीव जी बस वही मैं बता रही हूँ ना कि ये इनके कंपनियों के गुलाम तैयार करने की जो एक एजेंडा जैसा है। तो मैं बस अभी समय का अभाव होने के कारण मैं बस लास्ट में आपको एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि आपके एरिया में जो भी वो माइग्रेंट वर्कर्स भी हो, और क्योंकि अभी तो इश्यू आज का माइग्रेंट वर्कर्स है, उनके तहत में खास में मैं बोल रही हूँ कि आप जरूर से वो तो आप जैसे आप बताए कि एज के हिसाब से एजुकेशन की बात होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन उनके जो एंगर जनरेशन है, जो एडल्ट है, एडल्ट एजुकेशन हो या उनके जो बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम करना है, उनके एजुकेशन को ड्रॉप आउट है तो उनको मेन स्ट्रीम करना है, या जो सही एज में है तो उनको बराबर से गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती करना है। तो आपसे मेरी विनती है कि आप जरूर से उनकी एजुकेशन की मैपिंग करिए, उनकी लिटरेसी लेवल्स की मैपिंग करिए जो एडल्ट्स हैं, और उनकी उस तरफ उनको खींच के लेके जाइए जरूर से। उनकी जो बाकी चीजें हैं सब होते रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली उनको एजुकेशन देते हुए उनको एक एहसास दिलाना, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो आना चाहिए वो लेवल पे आप उनको एजुकेशन के जरिए से लाइए। क्योंकि अगर कोई सरकार डरती है तो वो एक पढ़ा लिखा और पूछने वालों से ही डरती है, और हमको इस देश को बचाने के लिए हमको और जो सेंसिबल लोग हैं उनके बुद्धिजीवियों की तैयारी और जो एथिक्स पे यानी नैतिकता से जो काम करने वाले हैं उनकी कमी है। देश में पैसों की कमी नहीं है, देश में कोई रिसोर्सेस की कमी नहीं है, लेकिन देश में आज के दिन एक एथिक्स की वैल्यूज से काम करने की, ऑनेस्टी से काम करने की, नैतिकता से काम करने की, इन चीज के अभाव के वजह से आज के दिन हमारी देश की ये हालत है कि हम जो देख रहे सो देख रहे कि फॉर्म बिल्स भी झूठ बोल के NDTV पे आप हम सब पूरी दुनिया ने देखा कि एक वाइस चेयरमैन और चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट सब देश को झूठ बोल के फॉर्म बिल्स पास कर सक रहे और उसकी पूरी तरह से उसकी डिफेंस भी कर सक रहे। तो ये बहुत ही भयानक चीज है। कैग की भी जो प्रेजेंटेशन हुई, कैग ने जो ऑडिट अपनी प्रेजेंट किए हैं कि स्टेट्स को जो फंड्स आना चाहिए GST की वो सेस को
डाइवर्ट किया हुआ है तो उसको भी वो डिफेंड कर सक रहे, तो देश कहीं और निकल जा रहा है, हाथ से निकल जा रहा है, उसके लिए हमको कॉन्फिडेंट सिटीजन की जरूरत है। तो जरूर से आप उस पर तवज्जो करें क्योंकि आपकी काम बहुत ही अहम है। आप बहुत बहुत संदीप जी से भी मुझे मालूम था और मुझे शोएब जी से भी, रिहाई मंच को मैं फॉलो करती रही काफी एक दशक से और तब से मैं देख रही थी। तो मेरी विनती है आपसे कि आप हर जगह आप एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर डालिए कि आप एजुकेशन में है या नहीं, या आपके बच्चे हैं कौन है कहाँ है, आप पढ़े लिखे बनिए, ये इन्फॉर्म्ड रहिए, इस चीज पे आप बहुत गौर करिए। ये मेरी बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू टुडे, क्योंकि सुनी थी मैं आपके बारे में। पुष्पा हाँ हेलो, सॉरी वन सेकेंड के लिए मैं म्यूट पे थी। हाँ मैं अभी, बॉबी भाई आप जरा, कोई क्वेश्चंस है क्या? आप जरा देख सकते हैं व्यूअर्स या लिसनर्स से कहीं चैट पे या कहीं किसी कहीं कमेंट्स में कोई डाला है क्या? जी जी, प्रश्न को लिखा था, अधिकांश अप्रिशिएट करने वाले और कंसर्न वाले ही। अच्छा तो है क्या बॉबी, या कंटिन्यू करें? हाँ कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है। अच्छा राजीव जी, अभी हमने जो आप काम अब तक किए या करते जा रहे हैं, हमने काफी सवाल पूछे हैं। हाँ तो मैं और एक दो बात आपसे पूछना चाहूंगी। एक स्पेसिफिकली क्या आप अभी करते जाएंगे, मतलब मुझे ये लगता है कि आप रिहाई मंच और दोनों प्रवासी मजदूरों के साथ जो काम करेंगे वो तो चालू रखेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली अगले से 5-6 महीनों में ज्यादा फोकस शायद होगा कि जो मजदूर वापस आएंगे उनका हालत क्या है, और कुछ क्या प्लान्स हैं आपके लिए, और जो यूजुअली जाते, मतलब जो यूजुअली आते हैं बाहर बाकी जिलों से या कहीं विद इन यूपी, उनके बारे में क्या करना आप चाहते हैं या करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं? और जी जरूर, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और मैं खास तौर पे, मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि पहली बार हम लोगों को एहसास हुआ कि जो मजदूर की जो औलाद का जो दर्द होता है वो क्या होता है। जब हमने देखा कि हमारी माताएं सड़क पर जो है, बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए, लोगों के पैरों में छाले पड़ गए, दाने के लिए लोग मोहताज हो गए, तो लोग लगातार निकल के आए, और खासतौर पर पूर्वांचल बिहार का जो पूरा बेल्ट था वो पूरा निकल करके, और चूंकि हमारे क्या है कि लोग काफी जगहों पर है। अब हमारा जो आने वाले दिनों में जो साफ तौर पे है कि पूर्वांचल का जो पूरा बेल्ट है, जैसे किसान आंदोलन में भी बार बार बात होती है, इस बारे में बात होती है कि इस बेल्ट में क्यों किसान आंदोलन, यहाँ का किसान नहीं उस तरह का किसान है, यहाँ का मजदूर किसान है, और आपने जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज उसका फेलोवर में उस मजदूर को एहसास दिलवा दिया कि वो मजदूर है, और उसको जो तमाम आप जैसे हम जैसे तमाम लोगों ने जो उसके साथ खड़े होकर जो पॉलिसी पे बात की, ये पहली बार इस पॉलिसी पे उसके बाद सामने आया कि मजदूर के कुछ अपने राइट्स होते हैं, प्रवासी मजदूर के राइट्स होते हैं, नहीं तो उसका ये मालूम ही नहीं था उसके। और हम आने वाले दिनों में खास तौर पर पूर्वांचल के प्रवासी मजदूरों के लिए एक गवर्नमेंट पे लगातार हम दबाव बना रहे हैं कि आप पूर्वांचल के प्रवासी मजदूरों के लिए एक माइग्रेशन का जो पूरा वो है उसके लिए आप जो आयोग बनाए उसके तहत आप एक पूरा सिस्टम बनाइए, और वहां पर जहां पर उसके बारे में पूरा डाटा हो, चीजें हो, जान सके, जिस तरह से आप भारत के अन्य प्रवासियों के लिए, भारत के प्रवासी जो विदेशों में जाते हैं उनके लिए आप करते हैं, उनके प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन वो जो आप सरकार ने जो सम्मान भारत से बाहर जो प्रवासी गए उनको जो सम्मान दिया, मैं उनको एयरलिफ्ट करवा रहे हैं, लेकिन हमारे क्या कि मजदूर को क्यों सम्मान नहीं दे रहे, क्योंकि उसको मानते ही नहीं, नागरिक ही नहीं मानते हैं वो।
और इस लिहाज से हम पूर्वांचल को सेंट्रलाइज करके एक पूर्वांचल मजदूर महापंचायत का हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह गांव गांव हमने, चूंकि आजमगढ़ चूंकि मेरा आधार क्षेत्र है, वहां का मैं रहने वाला हूँ, वहां पर हमारी सक्रियता है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में तमाम साथियों के सहयोग के साथ हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग जैसे कि जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने सड़क पर उनको राशन खाना दिया, मुंबई दिल्ली में जहाँ फंसे हुए आज सभी साथ सहयोग से उनको राशन वितरण करवाया, फिर गांव आ गए तो उनको भी सहयोग किया। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने संवाद की भी प्रक्रिया चलाई, अभी वो संवाद की प्रक्रिया लगातार चल रही है और कोशिश हमारी रहेगी कि पूर्वांचल में बड़ा मजदूरों का बड़ा सेंट्रलाइज में बड़ा आंदोलन बने, क्योंकि यहाँ का जो पूर्वांचल के माइग्रेशन के मजदूरों का जो आंदोलन होगा वही वो इसे बेल्ट के जो किसान आंदोलन है उसको भी मजबूत करेगा और उनके राइट्स पे उनको खड़ा करेगा। क्योंकि आने वाला जो दिन है उसमें मान के चलिए कि भले लोग दावा कर रहे हैं, तमाम चीज कर रहे हैं, लेकिन आप सिंपल सोचिए कि नोटबंदी में गवर्नमेंट ने नहीं कहा था कि कोई आप कंपनी बंद कर दीजिए, लेकिन नोटबंदी के बाद जो इकोनॉमिकल क्राइसिस पैदा हुई उससे अब तक नहीं लोग निकल पाए, जीएसटी उसके बाद आया और तीसरा ये लॉकडाउन है, यहाँ तो प्रोडक्शन ही खत्म हो गया है। जो हमारा मजदूर था वो मजदूर क्या करता था, रेहड़ी पट्टी लगाता था, ठेले पे पाव भाजी बेचता था, ठेले पे छोला भटूरा बेचता था। आप तो अब कह रहे हैं कि वो कर ही नहीं सकता कोरोना में, क्योंकि आपको अब सैनिटाइज करिए तो आप क्वारंटाइन करिए, क्या जो क्या एक मजदूर अपने लिए तो रहने के लिए तो उसके पास जगह नहीं है, वो कहां से छोला भटूरा और पाव भाजी सैनिटाइज और क्वारंटाइन करके खिला पाएगा। मतलब उसका आना तय है, उसको यहाँ पर रहना उसकी मजबूरी आपने बना दिया है। तो ऐसे में उस मजबूरी को हम एक मजबूत आंदोलन को लेते हुए, जो जैसे अभी लुगना जी कह रही थी कि जो उनके राइट्स हैं उन राइट्स को हम उनके बीच में जागरूकता पर करते हुए उनके खास तौर पर उनके रोजगार और उनके जमीन के सवाल, और हमारा साफ तौर पर कहना है जमीन का सवाल उसके एक डिग्निटी का, आत्मसम्मान का, उसके आत्मविश्वास का सवाल है। जैसे शिक्षा का सवाल होता है उसी तरह से जमीन का भी सवाल होता है, क्योंकि इसके पास एक जमीन हो जिसमें वो रह सके, जिसमें वो अपना कुछ उगा सके, खा सके। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पूर्वांचल सेंट्रलाइज हम लोग मजदूर आंदोलन को लगातार इसको हम लोग मजबूत करें, आने वाले दिनों में इसको और आगे के ले जाए। जी बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तो ये फार्म बिल और लैंड बिल और पता नहीं कितने कितने ऑर्डिनेंसेस रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये तो पता नहीं। और हमारा तो रात वाली, मैं सोचती हूँ ये नॉक्टर्नल डेमोक्रेसी हो गया, क्योंकि हमेशा कोई भी डिसीजन हो तो वो जो महत्व है जिसकी वो तो रात में ही कहा जाता है, और मतलब ना उसका सूचना, और कोई किसी को वक्त नहीं मिलता उसके बारे में सोचने का और करने का। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आंदोलन जारी रखें, लेकिन हाँ, लेकिन आप जैसे बोला कि नोटबंदी का उसका असर से ही लोग कोई रिकवरी नहीं है, और उसके बाद बार बार कुछ ना कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, मतलब क्राइसिस हो नहीं, वो उसको फैला जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक क्राइसिस था या नहीं था, उसको बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि ऑलरेडी जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, या जो बहुत छोटा मोटा रोजगारी करते हैं, ऑलरेडी वे फंसे हुए हैं कर्ज में या कुछ और में, और उसका तो अभी तो हालत इतना खराब हो गया है, और लेकिन उसके बारे में तो कोई सोचने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं, मतलब जो भी हो रहा है, और उनको तो और भी खराब तरीके से उनका भी ट्रीटमेंट हो रहा है, कि आप कभी किसी के खिलाफ आवाज उठाएं तो आपको या आपके सपोर्टर्स को या जिनके बारे में आप आवाज उठाएं सबको अंदर कर देते हैं, और पता नहीं वो सब पे यूएपीए डाल देते हैं, सब पे नहीं तो कुछ और पब्लिक सिक्योरिटी, मतलब पब्लिक सिक्योरिटी आप इधर नहीं है लेकिन बोल रही हूँ ऐसा कुछ,
और एक बात जिस लास्ट सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अभी तो इतना अच्छा चर्चा किया है हमने हम आपने हम दोनों के साथ, कुछ और आप जोड़ना चाहते हैं बात वो एक है, और आप पे कभी शायद अब तक यूपी सरकार ने कभी कोशिश किया कि हमला करें, मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल अटैक, लेकिन कुछ तो आपके खिलाफ कभी आपको थ्रेट ऐसा हाँ हुआ होगा मैं सोच रही हूँ, पता नहीं मुझे अच्छा हो कि ना हुआ तो, लेकिन आपको कभी डराया क्या किसी ने? आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन कभी वो हुआ है क्या मैं पूछना चाहूंगी, और कोई और बात भी आप इधर बताना चाहेंगे तो आप वो भी बता सकते हैं, क्योंकि अभी वक्त थोड़ा शुक्रिया, बहुत सही वक्त में बात को बात किया। देखिए एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा जो पिछले सवाल से भी रहा कि जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल जब देश में आजादी मिली जो है, और जो मजदूरों का किसानों का एक बड़ा पूर्वांचल किसान आंदोलन खड़ा हुआ, तेलंगाना तिभागा की तर्ज पे किसान आंदोलन खड़ा हुआ था, और ऐतिहासिक रूप से जो उसको पूरे बेल्ट को लेनिनग्राद कहा जाता है, सोशलिस्टों कम्युनिस्टों का एक बड़ा वो बेल्ट है। तो गवर्नमेंट में जो चीज बीच में दब गई थी, यहाँ पर मजदूर आंदोलन दब गया था, कोरोना काल में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसके तहत ये मजदूर आंदोलन फिर से खड़ा हो गया। अगर किसी को ये लग गया कि नहीं नहीं ये लौट गया है नहीं होगा, तो ये उसका वहम है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि पूरा जो छात्र नौजवान जो पूरा खड़ा हुआ है उसमें इलाहाबाद का छात्र नौजवान जो थाली पीटने वाला मामला था, दीपक जलाने मामला था, खड़ा हुआ, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स के बारे में मामला है। दूसरा एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें कि एक इस बेल्ट में जो गल्फ कंट्रीज का माइग्रेशन है उसपे मैं भी बात रखना चाहूंगा कि गल्फ कंट्री का माइग्रेशन बड़ा सवाल है। जैसे आजमगढ़ हो, हमारा पूरा गल्फ का माइग्रेशन से पूरी इकोनॉमी हमारी जो है गल्फ या मुंबई की इकोनॉमी है, उसी तरह से जो आजमगढ़ से लेकर देवरिया तक जो माइग्रेशन हुआ है गल्फ में, जो समुन्द्र में एक सड़क बनी है उसके बारे में कहा जाता है तो बनी है, मतलब कि हम ऐतिहासिक रूप से गिरमिटिया मजदूरों की औलादे हैं, और हमने हमारा जो ऐतिहासिक रूप से हमारे साथ शोषण किया गया है, अंग्रेजों के समय शोषण किया गया था, हमारे यहाँ के पुरुषों महिलाओं को लेके जाया जाता था, महिलाओं के साथ यौनाचार होता था, उसके बाद बहुत सारी जातियां होती थी, लेकिन हम बहुत मुश्किल हम तमाम जातियों को उससे निकलते हुए हमने अपने आप को खड़ा करके बनाया और बड़े और माइग्रेशन से हमने अपनी इकोनॉमी को बनाया है, तिरस्कार सहते हुए बनाया है। तो लेकिन अगर जो तिरस्कार ये गवर्नमेंट ने किया है उसमें हम इस बात को पॉलिसी स्तर पर लड़ने का हमने एक मूड बनाया और इस मूड के तहत कि ये पूरे प्रोग्राम को लेकर हम गांव गांव तक चल रहे हैं। दूसरा कि जो आपने कहा कि गवर्नमेंट की वजह से जो बहुत सारी दिक्कतें, तो बहुत सारी दिक्कतें तो साफ तौर पे ये है कि अभी जब हम लोग एक तो कि रिहाई मंच के साथ जो हम लोग लगातार सवाल उठाते हैं, खासतौर पे पुलिस एट्रोसिटीज का सवाल होता है जो दलितों पे, मुस्लिम पे, ओबीसी पे होता है, तो उस पे तो होता ही है। खासतौर पे अभी जब हम लॉकडाउन में जगह जगह पर हम प्रवासी मजदूरों के सवालों को उठाते थे, उनके बीच में जाते थे, और सिंपल वे में अगर मजदूर के बीच में जा रहे हैं और हम बता रहे हैं कि आपके पास ये पॉलिसीज है, आपके ये एजेंडे हैं, आपको ये नहीं मिला ये नहीं मिला, और मजदूर आप जब मुंबई से आप उसको ट्रेन में भर के ला रहे थे तब आपको क्वारंटीन और आप उसको एक मीटर दूरी नहीं मास्क नहीं याद आ रहा था, जब आप हम उसके बीच में जाकर के संवाद करने की कोशिश करते थे तो जाकर के वहां पर दरोगा आ जाते थे, पुलिस आ जाते थे, नहीं आप नहीं कर सकते हैं, ये कोरोना काल है, ऐसा है वैसा है। मामला है कि आप उसके जागरूकता अभियान को भी चलाने में कहते थे आप गवर्नमेंट के पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, और एक दो बार उसका हुआ कि हमको गांव से उठा करके थाने पर भी लाके रखा गया, लेकिन उनके पास कोई ऐसा कोई मजबूत आधार नहीं था कि वो मुझे या मेरे साथियों को जेल भेज सके, या फिर जो तमाम संदीप जी और तमाम साथियों द्वारा जो लगातार बातचीत दबाव से बना तो लगातार हुआ, ये मुश्किल कोरोना काल में मजदूरों के साथ है। दूसरा कि
लगातार हमको जो यूपी गवर्नमेंट में अभी पिछले जो जैसे एनकाउंटर है, एनएसए है, गुंडा एक्ट है, सीए आंदोलन के दौरान जो पूरा हम लोगों ने सवाल उठाया, तो रिहाई मंच के ऊपर इन्होंने जो 1920 दिसंबर को बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जिसमें पुलिस एट्रोसिटी में 30 नौजवानों को पुलिस की गोली का शिकार बने, उसमें इन्होंने रिहाई मंच पे कार्रवाई करते हुए प्रेसिडेंट मोहम्मद शोएब को अरेस्ट किया और रिहाई मंच के ऊपर ये कहा कि इसको हम प्रतिबंध करेंगे। इसके पहले हमारे एक साथी राबिन को जो है अरेस्ट किया, उनको उनके साथ काफी मारपीट किया और लगातार इंटेलिजेंस और आईबी का वो तो ट्रेस आउट करना, वो फोन करना उनका, वो तो हर दिन का लगा रहता है। लेकिन इसके बाद पहले भी जो वैसे इनकाउंटर के सवाल हम उठाते थे, तो जैसे आजमगढ़ में बड़े पैमाने पर इनकाउंटर हुआ, वेस्ट यूपी में इनकाउंटर हुआ, तो पुलिस ने डायरेक्ट हमको धमकी दिया कि मार डालेंगे, घर पे आएंगे, मुकदमा करेंगे, इस तरह से जो है। और इसके पहले भी जो गवर्नमेंट रही जो है बीजेपी के पहले भी, क्योंकि हमारे जो सवाल थे वो इस तरह के सवाल थे जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो संवैधानिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, उसमें वो बात कर रहे थे। तो एक चर्चित बड़ी घटना हुई कि भोपाल में कहा गया कि लकड़ी की चाबी से 8 कैदी जो इंडियन मुजाहिदीन सिमी के नाम पे बंद थे फरार हो रहे थे और उनको ले जाकर के इनकाउंटर किया। तो जब हमने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया 2016 में, तो नवंबर में तो एक लाठी चार्ज किया गया। और इसके पहले भी लगातार हमारे जो साथियों पर गुंडा एक्ट और तमाम इस तरह मसरुद्दीन भाई हमारे आजमगढ़ के, उनके ऊपर लगाया गया। मतलब कि ये प्रोसेस तो लगातार सरकार का दमन कर रहा है, लेकिन हम मौजूदा दौर में इस मानते हैं कि हम चूंकि डेमोक्रेटिक राइट और संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और जो सरकार चाहती ही नहीं कि इस देश में ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान रहे, और वो चाहती है कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद का यहाँ पर राज हो, और जो रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म कर रही है, जो एक बड़ी कम्युनिटी के पूरे शहरियत को ही खत्म करने को उतारू है, तो उसमें ये होना एक मुझे लगता है कि वो एक स्वाभाविक सा उनकी जो उनका अटैक है, एक स्वाभाविक सा अटैक है। लेकिन हम लोग लड़ेंगे। और अभी पिछले दिनों देखिए पूरे देश में ये अमित शाह कह रहे थे कि क्रोनोलॉजी समझा रहे थे कि हम एनपीआर ऐसे लाएंगे, एनआरसी ऐसे लाएंगे, सीए ऐसे लाएंगे। और पिछले दिनों जिस एनपीआर पे लंबी जद्दोजहद के बाद कोरोना काल में हम लोग धरने से उठे और उसको एनपीआर के जो सवाल थे उन्होंने उसको वापस लिया। तो निश्चित रूप से इसी तरह से जब उत्तर प्रदेश में एससी एसटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर करने का प्रयास किया तो भारत बंद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत है और संवैधानिक अधिकारों को बचाने की सुलाई को हमको मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास इस डेमोक्रेसी में जनता की ताकत के अलावा और कोई ताकत नहीं है जो कि इस मुल्क को, इस देश को बचा सके। अच्छा, बहुत बढ़िया ये एक इंटरव्यू था। शायद आपके साथ और आपके काम के बारे में बात करने के लिए 2-3 दिन भी काफी नहीं होंगे। हाँ, लेकिन राजीव भाई आपसे बहुत सीखा है, सुना है और बहुत बहुत शुक्रिया आपको। लुबना जी, आप कुछ और कहना है या पूछना है? नहीं तो इसके साथ हम ये चर्चा खत्म कर देंगे। तो हाँ, शायद लुबना जी, पता नहीं। हाँ, तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और सॉलिडारिटी हो आपके साथ कि आप अपना बहुत ये अहम काम आप ऐसे ही हिम्मत के साथ, ताकत के साथ आप जारी रखें और आप और आपके साथियों के साथ हम सब कभी हमेशा साथ हैं, साथ देते रहेंगे। ठीक है, अच्छा होगा कि आपसे फिर मुलाकात हो कभी कभा। ठीक है, तो मैं हमारी सबके तरफ से आपको फिर से बेस्ट विशेस बोलूंगी और बेहद शुक्रिया कहूंगी। ठीक है जी, अच्छा। शुक्रिया, इतना वक्त दिया आपने हम लोग बात रखने के लिए, बातचीत करने के लिए जो है, और अच्छा रहा कि सवाल कम से कम इस पर आप लोगों के जरिए जो है तमाम लोगों के बीच में आ पाया। जी जी बिल्कुल। अच्छा,
अभी हम इसके साथ खत्म कर देंगे और सब जो भी साथियों सुन रहे थे, देख रहे थे या देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप सबको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब अच्छा रहे, स्वास्थ्य से रहें, तंदुरुस्त रहें, ये इस वक्त के लिए हम सबको यही विशेष देंगे और ऐसे ही हमारे साथ बाकी चर्चों पे भी आप शामिल होंगे ये हमारी आशा है। ठीक है, शुक्रिया, नमस्ते।